प्रदा हर्षि भीतिम शेष जन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदनिया सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। भगवती माँ दुर्गा के नव रूपों में चंद्रघंटा माँ का तीसरा शक्ति स्वरूप है, जो चंद्रघंटा नाम से संसार में जानी जाती है। नवरात्रि की इस उपासना काल में तीसरे दिन इन्हीं के श्री विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक एवं कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंट के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन माँ को चंद्रघंटा देवी के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान कांतिमय, चमकीला एवं अत्यंत सुंदर है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग इत्यादि शस्त्र तथा बाण इत्यादि अस्त्र से ये विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा सदैव ही युद्ध के लिए उद्यत यानी कि तत्पर रहने वाली है। ये माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति एवं दर्शन होते हैं। अतः अपने भक्तों के कष्टों का निवारण यह देवी अत्यंत ही शीघ्र कर देती है। इनकी उपासना से हम समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहजी परम पद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं या अधिकारी बन जाते हैं, माँ के सन्निकट पहुँच जाते हैं और ये माँ अपने भक्तों को सहज रूप से अपने चरण कमलों की धूली में रख लेती है। विपत्तियों के नाश व सुख की प्राप्ति हेतु भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए जो साधक भगवती के निम्न मंत्र का जाप करता है, उसे माँ की भक्ति शक्ति तथा सारे सांसारिक सुखों का सहज ही लाभ प्राप्त हो जाता है। तीसरे दिन की पूजा में भगवती चंद्रघंटा के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, उसका अधिक से अधिक साधकों को जाप करना चाहिए। ओम शरणागत दीनार्त्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं दीन हूँ, मैं संसार के सारे दुखों से बहुत ज़्यादा दुखित हूँ। हे दुख हरता माँ, सबका दुख हरण करने वाली माँ जगदम्बा नारायणी, मैं तेरी शरणागत हूँ, तू मुझे अपनी शरण में ले। यह इस उपरोक्त मंत्र का भावार्थ है, शब्दार्थ है। जब तक हम जिस मंत्र को करते हैं उसका भाव या अर्थ हम नहीं समझते, तब तक वह केवल तोता रटन मात्र ही है, उसके करने का हमें यथेष्ट लाभ नहीं मिल पाता। अतः जो भी साधक जिस मंत्र का जाप करे, जिस किसी भी मंत्र का जाप करे, पहले शब्दार्थ को जरूर समझे, उसके भाव को जरूर समझे और अपने मन से भी उन भावों को प्रकट करते हुए भगवती के समक्ष सच्चे मन वचन आत्मा से जब मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित ही भगवती पराम्बा जगदम्बा उसका हमें यथेष्ट फल प्रदान करती है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गा, जय माँ चंद्रघंटा।
अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष समाधान।